नमस्कार दोस्तों, आजकल हम मेल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं अपने चेहरे को लेकर। हमारे चेहरे पर जो हैं कई तरह के पिंपल्स कई बार देखने को मिलते हैं, और पिंपल्स से जो हैं चाहे वो मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, सभी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको पिंपल्स की कुछ होम्योपैथिक मेडिसन और एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊँगा। तो मैं YK गुप्ता, मेरे YouTube चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, पिंपल्स की जो मेडिसन है वो जो है कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई मेडिसन्स लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो कई बार आपके पिंपल्स जो हैं ज़्यादा बढ़ने लगते हैं उनको लेने से। ये होता है एक एग्रीगेशन, जिसको हम होम्योपैथिक में बोलते हैं एग्रीगेशन। कई बार क्या होगा कि आपका रोग जो है, जो आपके पिंपल्स हैं वो पहले बढ़ेंगे, उसके बाद में वो थोड़ा सही होंगे, लेकिन दवाइयाँ लेते समय कौन सी मेडिसन लें, कैसी मेडिसन लें, एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। स्किन डिजीज़ में जो है मेडिसन लेते हुए थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा आपको अच्छी अच्छी मेडिसन्स के बारे में बताऊँगा, और कैसे आपको यूज़ करनी है, कितनी डोज लेनी है, ये सब बताऊँगा। और कई बार क्या होता है कि कोई बॉडी के इंटरनल पार्ट में कमी हो, जैसे किसी के लिवर में कमी हो या किसी के इंटेस्टाइन का फंक्शन प्रॉपर ना हो, तो उस वजह से भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम देखने को चेहरे पर जगह जगह पर मिल सकती है। वो उसका इंडिकेशन होता है, कहीं किसी हिस्से में अगर बार बार पिंपल होते हैं तो इसका मतलब कोई इंटरनल पार्ट भी, आपका इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी पिंपल हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि पिंपल्स की तो आप दवाई लेते रहते हैं, लेकिन अगर लिवर की वजह से हो रहा है या इंटेस्टाइन की वजह से हो रहे हैं, कुछ उनके फंक्शन प्रॉपर ना हो, तो उसकी मेडिसन हम नहीं ले पाते। या आपके ब्लड में जो है कुछ गंदगी हो, ब्लड प्यूरीफायर भी लेने पड़ते हैं बहुत से केस में, तो पिंपल्स का जो है ट्रीटमेंट वो थोड़ा सा, अगर ऑनलाइन की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मेडिसन्स जो हैं कुछ जो आम तौर पे यूज़ होती हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो है पिंपल्स की समस्या चाहे वो मेल्स हों या फीमेल हों, दोनों में ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। अधिकतर पिंपल्स जो हैं हमारे, जब हम टीनेजर्स होते हैं, मतलब 10 साल से 20 साल की एज में या 11 साल से 20 साल की उम्र में, ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, और फिर वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों में ये समस्या जो है प्राय 30, 35, 40 की उम्र तक देखने को भी मिलती है मोस्टली। तो इसके जो है पिंपल्स होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपकी जो स्किन है उसमें एक सीबीसीएस ग्लैंड होता है, वहाँ से जब वो सीबियम नाम का फ्लूड सिक्रीट होता है, तो जिसके कारण आपकी जो फेस है वो मॉइस्चर हो जाता है, या ऑयली स्किन जिसको बोलते हैं। तो जिनको ऑयली स्किन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको भी पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और दूसरी बात करूँ, अगर कोई आपके रक्त में अशुद्धता है, मतलब इम्प्योर ब्लड है, तो उसके कारण भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। या फिर बात करें कि जैसे बॉडी के बहुत से ऑर्गन हैं जिनका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जैसे लिवर है, इंटेस्टाइन है, तो एक ही जगह पर कई बार रिपीटेड पिंपल्स तरह के देखने में, जैसे आपको माथे पे पिंपल्स मिलेंगे, फिर इस हिस्से में नाक के कई लोगों को अधिकतर पिंपल्स देखने को मिलते हैं, या इधर मिलेंगे फेस में इधर, तो वो किसी चीज़ का इंडिकेशन भी हो सकता है कि अगर आपका कोई बॉडी का जो ऑर्गन है उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लिवर हो, इंटेस्टाइन हो, हार्ट हो, कुछ भी उनमें से कोई भी ऑर्गन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों पिंपल आपको बार बार किसी पर्टिकुलर जगह पर निकल सकते हैं। तो आज मैं आपको पिंपल्स के कुछ होम्योपैथिक मेडिसन और एक कॉम्बिनेशन के बारे में दोस्तों जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिंपल्स के लिए, दो मेडिसन जो हैं जैसे कि काली ब्रोम 30 और हिपरसल्प 30, इन दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें, और इसकी जैसे 30-30 ml की आप मार्केट से, होम्योपैथिक शॉप से ले आएँ, काली ब्रोम 30 और हिपरसल्प 30। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दोस्तों ज़रूर चेक करें, उसमें मैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मेडिसन्स के नाम और कैसे लेनी है। तो ये दोनों मेडिसन आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें, और इसकी 2 से 3 बूंद आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको लेना है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है काली ब्रोमेटम और हिपरसल्प। जो हिपरसल्प जो है मोस्टली जो बहुत मोटे टाइप के, फोड़े टाइप भी हो जाते हैं, उनमें मवाद हो जाती, पस हो जाती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसन है। फिर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मेडिसन है होम्योपैथी में, जिसको हम बोलते हैं बर्बरिस एक्वीफोलियम।
बर्बरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर आप डॉक्टर रेक्वेक में लें तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो एक स्किन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, चाहे वो पिंपल हो, एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, कुछ भी हो। तो बर्बरिस एक्विफोलियम को आपको कैसे यूज़ करना है, इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में आप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लें और इसको लंबे टाइम तक यूज़ करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत सेफ मेडिसिन है पिंपल्स के केस में या जो भी स्किन की प्रॉब्लम हो। और दूसरा, इसको आप एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसकी आप 20 बूंद लें और एक कॉटन का पीस लें, उसमें गुलाब जल भी मिला लें, 10 बूंद गुलाब जल की मिला लें और 20 बूंद इसकी मिला लें या इक्वल मिला लें, और इसको आप चेहरे पे 2-3 बार लगाइए, सुबह में लगाइए एक बार और एक बार रात को सोने से पहले लगाइए और उसको लगे रहने दीजिए, और फिर सुबह को मुंह को आप अपने धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं आराम से। तो उसका कोई भी, अगर आप पूरे रात भर चेहरे पे लगाएंगे, लगा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बर्बरिस एक्विफोलियम। अब चलते हैं दोस्तों कुछ और मेडिसिन की तरफ। जैसे आपको इस हिस्से में पिंपल्स होते हैं रेड रेड कलर के, तो उसके केस में एक पायरोजिनम 200 करके मेडिसिन आती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी 2 बूंद आप सुबह शाम कम से कम 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक यूज़ करें तो जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। उसमें भी पायरोजिनम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है रामबाण मेडिसिन, जो पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हालांकि आजकल वो मार्केट में मुश्किल से मिलती है, अगर आप ऑनलाइन उसको लेंगे तो ही आपको मिलेगी। वो है आपकी जो मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसका नाम है आपका आर्सेनिक ब्रोमेटम, आर्स ब्रोमेटम का मदर टिंचर। आप उसको, उसकी ध्यान रखिए, डोज के बारे में ध्यान रखिए आपको, और वो कम ही समय तक यूज़ करनी है। और ये भी ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको वो यूज़ नहीं करनी। अगर आपको ये जो पहले मेडिसिन बताई हैं इनसे पिंपल्स की प्रॉब्लम सही नहीं होती, फिर ही तभी आप उसको यूज़ कीजिए। वो है आर्सेनिक ब्रोमेटम का मदर टिंचर। आर्सेनिक ब्रोमेटम का मदर टिंचर आप 1 कप पानी में, फुल कप पानी में, उसकी 2-3 बूंदें से एक बार सुबह में लें, एक शाम में लें, और ये कम से कम आप 10-15 दिन कीजिए। बस 10-15 दिन से ज़्यादा मत कीजिए। अगर आपको पिंपल्स ठीक होने होंगे तो 10-15 दिन में ही आपको इसमें बहुत रिलीफ लगेगा। तो आर्सेनिक ब्रोमेटम मदर टिंचर आप आधे 1 कप पानी में 2-3 बूंद ही डाल के लीजिए। और आर्सेनिक ब्रोमेटम का ही 6CH में डाइल्यूशन भी आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं लंबे टाइम तक, महीने भर तक। तो उसकी भी 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको लेनी है। आर्सेनिक ब्रोमेटम पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमने ये सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमारे पिंपल्स फिर भी नहीं जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं कुछ ब्लड प्यूरीफायर भी सजेस्ट करता हूँ। जैसे एक रेक्वेक की मेडिसिन है आर सीरीज़ की, R60 एक ब्लड प्यूरीफायर होता है, जो कि यहाँ पर मेरे पास रखा भी होगा, मैं आपको अभी दिखाता, थोड़ा दूर रखा है। तो R60 जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एज अ ब्लड प्यूरीफायर। आप इसको 10 बूंद 2 बार यूज़ करें, एक बार सुबह में शाम में, जिनको ब्लड में जो अशुद्धता है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ब्लड प्यूरीफायर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं पिंपल्स को ठीक करने में। फिर दोस्तों आप एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं ब्लड प्यूरीफायर का, जैसे इसमें 3-4 मेडिसिन है, जैसे चिलिडोनियम मेजस है। चिलिडोनियम मेजस लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके लीवर की वजह से, लीवर का फंक्शन प्रॉपर ना हो और उसकी वजह से पिंपल होते हैं, तो इस केस में चिलिडोनियम मेजस आप मदर टिंचर के रूप में पहली मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में लीजिए। फिर दूसरी है आपकी एजाडिरक्टा इंडिका, जिसको हम नीम बोलते हैं, नीम का मदर टिंचर, नीम आप जानते ही हैं, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है एज ए ब्लड प्यूरीफायर। तीसरा दोस्तों एक मेडिसिन है इसमें बर्बरिस एक्विफोलियम, उसका भी मदर टिंचर आप इसमें मिलाइए, तो वो भी एक एज ए ब्लड प्यूरीफायर और पिंपल्स और जो भी स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर एक मेडिसिन है सारसा पेरीला, सारसा पेरीला का मदर टिंचर। ये भी दोस्तों सारसा पेरीला खून को साफ करने वाली एज ए ब्लड प्यूरीफायर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इन चारों को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कीजिए, ये आपका एक ब्लड प्यूरीफायर बन गया है। सारसा पेरीला, एजाडिरक्टा इंडिका, बर्बरिस एक्विफोलियम और जो मैंने शुरू में एक मेडिसिन बताई, उसको आप चारों को मिलाइए और ये जो है एक ब्लड प्यूरीफायर के तौर पे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। इसकी आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, अगर हो सके तो 2 बार यूज़ करें, मतलब अगर आपको टाइम नहीं मिलता हो तो 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम, और हो सके तो 3 बार यूज़ करें। तो एज ए ब्लड प्यूरीफायर ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। देखिए वैसे पिंपल्स के केस में बहुत सारी मेडिसिन है, अगर आपके पिंपल्स लंबे समय तक रहते हों या आप बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके हों फिर भी ठीक ना हो रहे हों, तो किसी आपके जो एरिया के डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, उनसे कंसल्ट कीजिए।
तभी आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम अच्छी तरीके से ठीक होगी। मेडिसन्स इसमें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन मेन मेडिसन्स थी वो मैंने आपको बताई। बर्बरिस एक्विफोलियम जिसमें बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, और एक कॉम्बिनेशन जैसे बताया हिपरसल्फ और कालीब्रोम का, वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उससे भी आपके पिंपल ठीक हो जाने चाहिए। अगर उससे ठीक नहीं होते तो देखिए ज़रूर कोई ना कोई किसी इंटरनल ऑर्गन में कमी है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम, जिन लोगों को खास तौर पे यहाँ पर सिर में, माथे पे, इस जगह के, नाक के इस एरिए में या फेस के इस एरिए में बार बार पिंपल होते हैं लाल लाल कलर के और उनमें से पस भी निकलती है, तो ऐसे केस में दोस्तों ये मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी अगर आपके पिंपल सही नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है अच्छा या ठीक नहीं होते। देखिए इसमें स्किन डिजीज़ में थोड़ा सा ऑनलाइन बताना या वीडियो के थ्रू बताना बहुत मुश्किल होता है, कई बार किसी केस में ठीक भी हो जाते हैं और किसी केस में आपको ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो कुछ और भी उनके रीज़न होते हैं। तो इसलिए जब भी मेडिसिन यूज़ करें तो उसको एक बार अगर हो सके तो कंसल्ट करके यूज़ करें, या जो कॉमन मेडिसिन है जैसे बर्बरिस एक्विफोलियम है और कालीब्रोम 30 बताई मैंने और हिपरसल 30 बनाई। और एक बार और याद रखिए कि ये जो डाइल्यूशंस हैं उनको आप जो सेम पोटेंसी के डाइल्यूशन है उनको ही मिक्स कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि कालीब्रोम 30 ले ली और हिपरसल्फ 200 ले ली, ऐसा मत कीजिए, इससे कुछ आपको दिक्कत का सामना भी महसूस करना पड़ सकता है। तो जो सेम पोटेंसी की मेडिसिंस हैं उनको ही मिलाइए, और मदर टिंचर भी जो है जो जो आपको बताए गए उनको ही मिलाइए, अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए इसमें, तो तभी रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव मिलेंगे, वरना आपको कुछ नुकसान भी, क्योंकि स्किन का मामला है, स्किन डिजीज़ है, इसमें एग्रीवेशन भी होते हैं जैसे कि मैंने बताया मेडिसिंस के, आपके पिंपल्स कई बार मेडिसिन लेने से बढ़ भी सकते हैं, वो एक इंडिकेशन भी होता है, साइड इफ़ेक्ट तो देखिए होता नहीं, एग्रीवेशन होता है। एग्रीवेशन मतलब एक बार आपके पिंपल्स बढ़ेंगे और फिर रोग अच्छी तरीके से ठीक होएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है उसे दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।